प्रेम को लेकर आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर कलयुग में ये बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। जहां प्रेमी की जान बचाने के लिए प्रेमिका ने अपनी जान की बाजी लगा दी, ऐसा ही एक मामला बस्ती से सामने आया है। जहां प्रेमिका के घर के सामने से गुजर रहे प्रेमी पर जब हमला हुआ तो वह भी विवाद में पहुंच गई, वहीं जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। भैया मेरे घर में जबरदस्ती सतराई ना। कौन लोग घुस रहे थे? वही तारा बहुकर माँ तारिका पकड़ के अतवाई चला बारा मसीहन एक बार। अभी क्या स्थिति है? इनके पापा मारे बमुआ में सब जनी मारे हैं। आप इनकी कौन है? माता ही है भाई। मार पीट का मामला है? जरा से बाहर घर हमारे रात रहे सिमाने में। किस बात को लेकर हुआ है विवाद? वहीं से। किस बात को लेकर हुआ? लिया जा हुआ कि जो लड़की के पिता हैं राम प्रकाश चौरसिया, उनके चाचा ओम प्रकाश चौरसिया और उनके भाई राजेश प्रकाश चौरसिया, मैं मम्मी की दवाई लेने बेलाड़ी जा रहा था और इनका घर जो है रास्ते पड़ता है, मेरे घर का मोड़ है वो। इन लोगों ने गाली देके मुझे बुलाया तो मैं रुका, तो इन्होंने बांस से वार मेरे ऊपर मेरे सर पे किया। मैंने हाथ से बचाव किया तो मेरे हाथ टूट गया और कम से कम 8 से 10 बार मेरे सर पे किया और ईंटों से वार किया और मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। क्या मामला था? प्रेम प्रसंग का कुछ मामला? मामला प्रेम का था, मेरा और इनकी बेटी का। पिछले 5 साल से चल रहा था मैटर और उसी के ईर्ष्या में इन लोगों ने ऐसा काम को अंदाज। आज 15 दिसंबर को शाम को 7 बजे थाना नगर के मरवटिया से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक लड़का लड़की को लड़की के परिवार वालों ने काफ़ी मार दिया है। इस सूचना पर थाना नगर की फोर्स फौरन मौके पर पहुंची और लड़का लड़की को जिला अस्पताल लाकर उनका इलाज कराया जा रहा है, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनका प्राथमिक उपचार चल रहा है, इनको हायर सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि लड़का लड़की से मिलने आया था, इनके बीच में पूर्व से संपर्क था। जब लड़का लड़की से मिलने आया तो चूंकि इनका संबंध लड़की के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने इन दोनों को मारा है। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि यह चोट लाठी डंडे से आई है। इस संबंध में लड़के के परिवार से तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है और जो अपराधी हैं जिन्होंने घटना कारित की है उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हैं। हमारे राजपत्रित अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मौके पर फोर्स है, शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।